पर्वतरोही और राष्ट्रीय खिलाड़ी आशा मालवीय की साइकिल यात्रा उज्जैन पहुंचने पर समाजजनों ने सम्मान किया। पर्वतरोही आशा मालवीय 20,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर भोपाल से मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ये यात्रा 300 दिन तक चलेगी, जो कि विभिन्न राज्यों से होकर दिल्ली 2023 में समाप्त होगी। आशा मालवीय ने मीडिया से चर्चा में बताया कि वो एक गरीब घर की लड़की है। वो इस यात्रा से लोगों में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है। साइकिल यात्रा का उज्जैन पहुंचने पर समाज के लोगों ने स्वागत किया। पर्यटन के हिसाब से निकले हैं, महाकाल की नगरी में पहुंचे हैं, कहाँ से स्टार्ट किया और क्या लक्ष्य रखा है? मेरा नाम आशा मालवीय है, मैं राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में छोटे से गांव नाटाराम से हूँ। मेरी ये यात्रा 20,000 किलोमीटर की होगी और 300 दिन की यात्रा होगी। मैंने ये यात्रा भोपाल से शुरू की और माननीय मंत्री महोदया पर्यटन मंत्री सुश्री उषा जी ठाकुर दीदी ने मुझे फ्लैग ऑफ किया था और साथ ही आज मेरी ये यात्रा उज्जैन पहुंच चुकी है। आगे कहां जाएगी, किस प्रकार का कार्यक्रम? आगे कल मेरी ये यात्रा इंदौर जाएगी, इंदौर के बाद धार, धार के बाद झाबुआ, झाबुआ के बाद मैं गांधीनगर गुजरात में एंट्री कर दूंगी। दिल्ली कब पहुंचेंगे और राष्ट्रपति महोदय से कब मुलाकात? जी, दिल्ली में 29 सितंबर को पहुंचूंगी और राष्ट्रपति महोदय से भी मैं तभी मिलूंगी जब मैं यात्रा दिल्ली में खत्म करने वाली हूं 20,000 किलोमीटर करने के बाद। तो मैं निवेदन करती हूं कि राष्ट्रपति महोदय आए वहां और मेरी इस यात्रा का समापन करें। क्या लक्ष्य लगे निकली आप? मेरी इस यात्रा का लक्ष्य है सर कि पर्यटन के प्रचार प्रसार, जो मध्य प्रदेश पर्यटन में ऐतिहासिक धरोहर में जो और प्रसिद्ध स्थल है उनका प्रचार प्रसार करना, साथ ही हमारे मध्य प्रदेश का कल्चर का जो प्रचार प्रसार है, संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरे भारत में हो, साथ ही जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण को लेकर आज इतनी सारी बीमारियां हो रही है, कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने आ रही है, ऐसी कोई महामारी ना आए दोबारा, इसीलिए मैं यात्रा करी हूं। और साथ ही नारी सशक्तिकरण को लेकर मैं बढ़ावा देना चाहती हूं कि नारियां भी वो कर सकती है जो एक पुरुष नहीं कर सकता। सिर्फ हौसला बुलंद हो तो मंजिल ऑटोमेटिक नारियों को मिलना है। तो मैं ये चाहती हूं कि घर से बाहर निकलूं और पूरे, मतलब मैं इतना कुछ कर रही हूं, आप भी कुछ कीजिए। महाकाल लोक का भी यहाँ निर्माण हुआ है, जी जी, प्रधानमंत्री के द्वारा देखिए पर्यटन स्थल के, आप इसको भी देखा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक महिला हैं जी, 20,000 किलोमीटर की यात्रा जी, किस तरह की इस यात्रा में आपको जो परेशानी आई जी? सर, स्टार्टिंग से जब मैं किसी के पास यात्रा के लिए हेल्प लेने जाती थी तो वो लगता था उनको कि एक लड़की कैसे यात्रा कर पाएगी और मुझे कोई हेल्प नहीं मिलता था, लेकिन फाइनली पर्यटन मंत्री जी जो हैं उन्होंने मेरी मदद की और आज मेरे को यात्रा करने के लिए मतलब एक प्रोत्साहन मिला। और साथ ही हमारे पर्यटन के MD सर श्री शिवशेखर शुक्ला सर, उन्होंने भी मेरा काफ़ी सपोर्ट किया है, साथ ही MD सर विवेक शुक्ला जी और डिप्टी डायरेक्टर उमाकांत चौधरी सर, ये सबकी वजह से आज मेरी यात्रा मतलब एक मैं यात्रा कर पा रही हूँ। अगर वो मेरा हेल्प नहीं करते तो आज मैं यात्रा भी नहीं कर पाती। साथ ही उन्होंने मेरे लिए मध्य प्रदेश में सुरक्षा के लिए जो बात की जाती है कि मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा नहीं है, लेकिन सुरक्षा की अगर मैं बात करूँ मैंने मध्य प्रदेश की, तो उन्होंने मेरे लिए सुरक्षा के लिए पूरे भारत में लेटर भेज दिया है SP और कलेक्टर सर को, तो मेरा मध्य प्रदेश सुरक्षित प्रदेश है।